嗨，你好。哦，你好。嗨，你好，你好。这什么配的？啊？这个配的。Yeah， 谢谢谢谢。不用谢，不用谢啊。耶，行。Hello， 你好。嗨，你好。哦，你好。तो भाई ये है सिगरेट की दुकान और यहाँ पे आंटी जी कोल भी बेच रहे हैं, वाइन भी बेच रहे हैं और यहाँ के लोग तो भाई सिगरेट पागल की जैसा पीते हैं। ये देखो ब्रांड देखो, ये 12 युआन की है, 21 युआन, 20 युआन, डिफरेंट वैरायटी के सिगरेट्स रखे हुए हैं और इस तरह के UPI टाइप कोड बनाया हुआ है। भाई आंटी सिगरेट के साथ बडवाइजर ले रही है, बड़ा सही लग रहा है मेरे को ये सब देखने में, सच बता रहा हूँ। और भाई और एक चीज़ दिखाऊं, मेरे को शंघाई के मतलब सुंदर सुंदर स्पॉट घूमने से ज़्यादा ना यहाँ की लोकेलिटी घूमने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ये देखो, ये सामने जो है ना, ये देखो टेम्पू, सिंगल सीटर टेम्पू है, देख रहे हो, ये देखो छोटा सा सीट बना हुआ है एक बंदे के लिए, एक बंदा मतलब अपना सामान रख के अपनी एक छोटी सी गाड़ी कर लो और घूमो और क्या है। और ये मेरी हॉस्टल है, डे इन हॉस्टल, इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल, ये आके मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अभी थोड़ा सा एरिया घूमते हैं। हाय, नी हाओ, नहीं इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, अभी मज़ा आ रहा है इस एरिया में रहने और घूमने में। ये देखो यहाँ का रिपेयरिंग वगैरह का काम कुछ इस तरह से होता है, रिपेयरिंग शॉप है, हवा भरने का है तो आप हवा भी भर सकते हो। ये एक छोटी सी दुकान है ना टाइल्स वाले, यहाँ पे छोटी सी एक बैग की दुकान है। ये सब सचमुच मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं शंघाई में देखूंगा। ये बाल काटने की दुकान है, कितने का है वो चेक करोगे, क्या लिखा हुआ है, हेयर डाई स्टार्टिंग 38, पर्म स्टार्टिंग, हेयर केयर स्टार्टिंग 68 युआन। तो भाई कुछ इस तरह का माहौल है शंघाई का, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे ये सब देखने में। ओ भाई साहब यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, अब चाइनीज पुलिस स्टेशन देखोगे कैसी होती है, दिखाते हैं। शंघाई की पुलिस स्टेशन है ये, ये रहा, ये शिव। हेलो, हाय भाई, ऐसे कुत्ते ना यहाँ पे काफी फेमस है, काट ना ले भाई। चलो इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या माहौल हो रहा है भाई, बड़ा खाली पड़ा हुआ है, एक छोटी सी मॉल है और कुछ नहीं है। भाई यहाँ पे हर एक चीज़ का ना अलग अलग डस्टबिन बना हुआ है, देखो टेक्सटाइल का अलग डस्टबिन है, पेपर का अलग है, प्लास्टिक का अलग है, मेटल का अलग है, ग्लास का अलग है, रेसिडेंशियल रेसिडुअल वेस्ट अलग है। और ये हर जगह फॉलो होती है, मतलब बीजिंग के लोकेलिटी में भी रह रहा था ना, उसमें भी 3-4 गार्बेज थे कि इसमें ये जाएगा, वैसे कोई मानता नहीं है ये मैं बता देता हूँ, कोई मानता नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो सिक्योरिटी है या वो गार्बेज कलेक्टर है उस गार्बेज को निकालते हैं और फिर उसको मतलब कैटेगराइज वाइज उसको भरते हैं और फिर उसको सेंड करते हैं। एक नॉर्मल मॉल की नॉर्मल पब्लिक टॉयलेट में आया हुआ, चकमक चकमक कर रहा है भाई, इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और वॉशरूम देख रहे हो चमक रहा है भाई, सीखने का तो है सर। ये देख लो हर एक गाड़ी में इस तरह के ग्लव्स लगाए हुए हैं, भाई ये सिस्टम ना मुझे बहुत सही लगता है। ये क्या होता है ना, ठंडी में अगर आप बाइक चला भी रहे हो तो आपकी मतलब ठंडे नहीं लगेगा आपके हाथ में, और दूसरा है सामने जो इस तरह से एक जैकेट होता है जिसे ये देखो ये वाली, इस तरह से पूरा फुल सिस्टम है कि मतलब अगर ठंडी में अगर आप गाड़ी चलाओ तो आपके सीने में ठंड नहीं लगेगा, यहाँ तक गला तक कवर रहेगा और हाथ में भी आपको ठंड नहीं लगेगा, तो ये वाला सिस्टम है ना बहुत ही मतलब सही है। ये देखो अंकल यहाँ पे गाना गा रहे थे, अभी एक दो अंकल और भी आ गए,
भाई यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं है, ये गाना इसलिए गाने कि इनको पैसा चाहिए, हाँ ये टोटल पैशन है। वो अपना स्पीकर लाए हैं, माइक लाए हैं, रोड के एट साइड में आके आराम से गाना गा रहे हैं। देखो यहाँ पे खेल रहे हैं चाइनीज़, क्या कहते हैं इसको, चेकर। ये कल भी ये लोग खेल रहे थे जब मैं यहाँ पे यहाँ से जा रहा था ना। हर चीज़ पर एक कैरेक्टर लिखा हुआ है, उस कैरेक्टर में क्या पता, जिस तरह से अपना चेस वगैरह होता है तो ये चाइनीज़ चेस है शायद। नहीं हाओ अंडरस्टैंड ओके शिष्य। भाई 398 वन का है ये, 300 तो 4,000-5,000 रुपये का हो गया यार। जस्ट चेकिंग 298 वन, 300 वन का ये, तो 300 × 12 भी कर लो, 3,600 का है भाई। लेकिन जूता मजबूत लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, इसकी जो सोल है। हाउ मच? 238। अच्छा तो आप बार्गेन भी कर सकते हो। लोरेंजो ये नॉर्मल चाइनीज़ कंपनी है। जूते तो सही है भाई। ओके शीशी शीशी बाय बाय। नहीं आओ, इस तरह से अंकल अगर आप मुझे देखते रहोगे तो हमारे पास कोई और ऑप्शन तो बचता है नहीं, जिससे कि मैं आपको बस इतना बोल सकूं कि नहीं आओ। तो भाई कुछ शंघाई की एक साधारण सी लोकेलिटी कुछ इस तरह से होती है। शंघाई का एक ऐसा भी एरिया है जहाँ पे मतलब ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग इमारतें ये सब तो हर एक सोफिस्टिकेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता ही है, लेकिन देखने में मज़ा तब आता है कि जब आप एक इसके साधारण से लोकेलिटी में जाके अब ये देखते हो कि मतलब नॉर्मली लोग किस तरह से अपना जीवन व्यापन करते हैं। भाई गन्ने छिल रहे हैं। हाउ मच इज दिस? हाउ मच? 10 10? कैन आई हैव वन? या भैया चाइना में गन्ने का जूस इस तरह से निकालते हैं कुछ 10 वन में है। 10 वन तो कुछ भी नहीं है यार, 10 वन हो गया आपको 110 रुपये। अभी 110 रुपये में कितनी बड़ी ग्लास होगी वो मुझे नहीं पता। अच्छा बड़ा ही क्या, बड़ा पूरा बॉटल दे रहे भाई साहब पैकेट के साथ। अब फल सब्जी का अगर आपको प्राइस देखना है तो कुछ देख लो। केले है भाई, केले 3 वन डजन में मिल रहे हैं, मतलब 36 में एक डजन, 36 का है। और देखो इतने बड़े बड़े अंगूर, अंगूर ही होंगे ये भाई, 15 वन का है। 15 × 12 कर लो आप तो आपको आइडिया मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू शीशे। चलो भाई साहब ये हो गया गन्ने का जूस, 10 वन के गन्ने का जूस। भाई महंगा है, हम बिहार से हैं लेकिन फिर भी ठीक है भाई। ऐसे बोतल में दिया विद प्लास्टिक। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपके लिए है वो यहाँ के लोकल के लिए भी है, कुछ अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं फॉरेनर हूँ तो मेरे लिए अलग होगा, है ना, या मेरे साथ जबरन मतलब ज़्यादा मुझे चार्ज कर लेना है, ऐसा कोई बात नहीं होता भाई। जो लोकल के लिए है वो मेरे लिए है। तो मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ, वहाँ पे थोड़ा सा बैठूँगा अभी और फिर थोड़ा सा प्लानिंग करता हूँ कि कहाँ जा सकता हूँ। सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी नाइट लाइफ को देखने के लिए नाइट लाइफ स्ट्रीट में जाऊँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है मेट्रो पकड़ के चले तो जाऊँगा लेकिन आते वक्त हो सकता है कि मेट्रो बंद हो जाए, फिर मुझे टैक्सी लेके आना पड़ेगा जिसके मुझे पड़ जाएंगे 30 से 40 युआन। अभी मैं इस एरिया को अच्छे से पहचान लिया हूँ, तो मेरी जो हॉस्टल है वो है लेफ्ट हैंड साइड पे। मैं कहा ना, देखो 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 देखो, 4-व्हीलर रुक जाएगी लेकिन 2-व्हीलर नहीं रुकेगी, स्पेशली इलेक्ट्रिक वाली। और अंकल कुछ अपने यहाँ पे जिस तरह से कूड़ा वगैरह और कार्डबोर्ड का जो वो होता है ना लेके कलेक्ट करके लेके जाना, कुछ उस तरह से लेके जा रहे हैं, तो ये अभी भी है यहाँ पे। तो एक साधारण ज़िंदगी भी चल रही है चाइना में। कहने को ये लोग यूरोप से भी ज़्यादा डेवलप्ड कर चुके हैं इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ भी इन्होंने मेंटेन करके रखी है जो कि मेरे हिसाब से एक काबिले तारीफ है। मतलब एक नॉर्मल लाइफ भी है लेकिन डेवलपमेंट ऐसी कि यूरोप को भी मात दे, है ना। तो ये आप बताओ कमेंट में, आपको कैसा लगता है ये सुनने में। ये नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल सी गली, छोटे छोटे घर, कुछ इस तरह की होती है चाइना में। अच्छा ये है मेरी हॉस्टल, डे इन हॉस्टल। भाई ये वीडियो मैं अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। जो भी करता हूँ मैं आपसे आगे की वाली वीडियो में मिलता हूँ। मेरे सामने जो एक छोटी सी ये जो बिल्डिंग है ये देखो, वैसे यहाँ पर घूम लो क्या, देखो तो भाई चौल टाइप बनाया हुआ है। और देखो इतने छोटे से बिल्डिंग में भी कितने कैमरे लगे हुए हैं भाई, 1, 2, 3 और 4, 4 कैमरे तो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देख लो भाई, ये दिख रहा है आपको, ये कौन सा सिस्टम लगाया हुआ है। ओ भाई ऐसे कॉल कर सकते हो, स्कैन कोड कर सकते हो, खतरनाक वाली टेक्नोलॉजी आ गई है भाई चाइना में। तो वो छोटे छोटे घर बनाए हुए, ये मेरे हॉस्टल के पीछे वाला हिस्सा है, तो कुछ इस तरह से है, नॉर्मल सा घर है छोटे छोटे। सही लगता है ना ये सब देखने में। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में और इस वीडियो से आपको कहता हूँ बाय बाय। तब तक गन्ने की जूस पीता हूँ भाई और थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ।